एक समय की बात है, पिट्सबर्ग के एक डिपार्टमेंट स्टोर में एक वृद्ध स्त्री बेवजह इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। उसकी अवस्था से यह स्पष्ट हो रहा था कि वह समय काट रही है। वह कई काउंटरों से होकर गुजरी, लेकिन किसी भी सेल्समैन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सबने यह समझ लिया था कि वह वृद्ध स्त्री अपना समय काट रही है और वह कुछ भी खरीदने वाली नहीं है। इसलिए जब भी वह किसी काउंटर के पास जाती तो वहाँ खड़ा सेल्समैन दूसरी ओर देखने लगता था। अंततः वह वृद्ध स्त्री एक युवा सेल्समैन के काउंटर पर पहुंची। सेल्समैन ने उस वृद्ध स्त्री से अत्यंत विनम्रता से पूछा, मैडम मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उस वृद्ध स्त्री ने उत्तर दिया, नहीं बस मैं तो यहाँ समय काट रही हूँ, बाहर वर्षा हो रही है और मैं उसके थमने की प्रतीक्षा कर रही हूँ ताकि उसके बाद मैं घर जा सकूँ। ठीक है मैडम, उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपके बैठने के लिए कुर्सी बाहर निकाल दूँ? और फिर वृद्धा के जवाब का इंतजार किए बिना ही वह कुर्सी बाहर ले आया और वृद्धा उस पर बैठ गई। जब वर्षा रुक गई तो वह युवक उस वृद्धा स्त्री का हाथ थाम कर उसे सड़क तक ले गया और उसे बड़े सम्मान के साथ अलविदा भी कहा। चलते चलते उस स्त्री ने युवक से उसका कार्ड मांग लिया। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी और वह उसमें बैठकर चली गई। कुछ दिनों बाद उस स्टोर के मालिक को एक पत्र मिला। उस पत्र में यह स्पष्ट कहा गया था कि स्कॉटलैंड में एक बड़े घर की सजावट के लिए सामान चाहिए, इसलिए उस युवक को सामान का ऑर्डर लेने के लिए स्कॉटलैंड भेजा जाए। स्टोर के मालिक ने पत्र का उत्तर देते हुए लिखा कि वह युवक घर की साज सज्जा वाले विभाग में कार्य नहीं करता, उसे कोई अनुभव नहीं है, इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति को भेजना ही अधिक उचित होगा। इसका उत्तर आने में अधिक समय नहीं लगा। उसमें कहा गया था कि उस युवक के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को ना भेजा जाए, केवल उसी युवक को ही सामान का ऑर्डर लेने के लिए भेजा जाए। उन पत्रों पर एंड्रियो कार्नेगी के हस्ताक्षर थे और जिस घर को वे सजाने की बात कर रहे थे वह स्कॉटलैंड का स्कोबो महल था और वह वृद्ध स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्टील किंग कहे जाने वाले अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति एंड्रियो कार्नेगी की माँ थी। स्टोर की तरफ से उस युवक को स्कॉटलैंड भेजा गया। उसे लाखों डॉलर के सजावटी सामान का ऑर्डर मिला। इससे प्रसन्न होकर स्टोर के मालिक ने उसे स्टोर का हिस्सेदार बना दिया और कुछ समय बाद ही वह स्टोर के 50% का हिस्सेदार बन गया। यदि उस समय उसने अपने अच्छे व्यवहार के साथ वृद्धा को बैठने के लिए कुर्सी ना दी होती और उस समय को वह चूक जाता तो शायद वह लाइफ में इतना आगे ना बढ़ पाता। इसी तरह की एक दूसरी घटना है। तेज बारिश में दोपहर के समय एक अधेड़ आयु का व्यक्ति कार के बड़े शोरूम में अपनी छड़ी को फर्श पर पटकता हुआ आया। वह कुछ लंगड़ाता हुआ सा चल रहा था। ऑफिस में बैठे लोगों ने उसके आगमन पर कोई ध्यान नहीं दिया। सेल्समैन भी बैठा बैठा समाचार पत्र पढ़ता रहा। आगंतुक पर उसने एक उचटती सी दृष्टि डाली और सोचा कि शायद यह लंगड़ा बारिश से बचने के लिए यहाँ आया है, इसलिए उस पर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं होगा। अतः वह समाचार पत्र पढ़ता रहा और अपनी कुर्सी से उठने तक की उसने कोई कष्ट नहीं उठाया। अधेड़ आयु का व्यक्ति शोरूम में वहाँ खड़ी सभी कारों को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहा था। फिर वह छड़ी टेकता हुआ अपनी लंगड़ाती चाल से सेल्समैन के पास आया और सामने खड़ी 3 कारों का मूल्य पूछा। समाचार पत्र से दृष्टि हटाए बिना ही सेल्समैन ने कारों का मूल्य बता दिया। वह अधेड़ आयु व्यक्ति पुनः उन 3 कारों के पास आया। उसने कारों के गेटों को खोलकर देखा, टायरों का निरीक्षण किया और फिर समाचार पत्र पढ़ने में तल्लीन सेल्समैन के पास जाकर बड़बड़ाया, तीनों ही कारें अच्छी लग रही हैं, कौन सी खरीद लूँ या फिर लगता है तीनों ही खरीद लूँ। समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्ति के होठों पर बड़ी ही व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, पागल है, अपने साथ साथ दूसरों का भी समय बर्बाद कर रहा है। फिर अधेड़ व्यक्ति बोला, अच्छा तो मैं वह बीच वाली कार ही खरीद लेता हूँ, भला क्या मूल्य बताया था तुमने उसका? यह कहकर और दोबारा मूल्य जानकर उसने जेब से चेकबुक निकाली और चेक भरकर सेल्समैन को देते हुए बोला, वह कार कल मेरे घर भिजवा देना। उसने वहाँ पड़े पैड पर अपना पता लिखा और शोरूम से बाहर चला गया। चेक देखते ही सेल्समैन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। अपनी गलती पर उसे बड़ा पछतावा हुआ। जिस व्यक्ति ने चेक काटा था वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। यदि उसने उठने की जहमत उठाई होती और थोड़ा सा भी प्रयास किया होता तो वह अपनी 3 महंगी कारों को बेचने में सफल हो पाता। लेकिन अब पछतावे से क्या होता, समय तो हाथ से निकल ही चुका था। समय का क्या मूल्य होता है यह उसे आज पता चला था। समाचार पत्र पढ़ने और काम करने का अपना अलग अलग समय होता है। जो लोग समय का प्रबंधन नहीं करते वह हमेशा अपना नुकसान ही करते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जो लोगों को देर से ही समझ में आती है। जॉर्ज एलियट ने कहा है, उस व्यक्ति के लिए समय का क्या महत्व जो उसका उपयोग करना ही न जानता हो। समय से लाभ उठाने में असाधारण रूप से वही सफल हुए हैं जिन्होंने समय को पहचान कर उस समय में अवसरों में सुधार लाकर उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया। क्यूबलैंड के फोटोग्राफर जेम्स एफ फाइटर ने जर्मनी के एक समाचार पत्र में एक दिन पढ़ा कि बोहेमिया के फोटोग्राफर फोटोग्राफी में एक नई तकनीकी का प्रयोग करते हैं। इस नई तकनीकी के द्वारा वे चित्र के निगेटिव में सुधार कर लेते हैं जिससे चित्र के दोष समाप्त हो जाते हैं और प्रिंट अच्छे निकलते हैं, फिर उसमें फिनिशिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राइटर ने
उसी समय बोहेमिया से एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर को अपने यहाँ बुलवा लिया। उसके सहयोग से उसने अपने कैमरों को भी उन्नत बना लिया। उसने बोहेमिया के उन छोटे यंत्रों से अपने चित्रों के नेगेटिव को और भी अच्छा बना लिया। उसने समय के महत्व को समझकर वहां के दूसरे फोटोग्राफर से पहले ही अपने व्यवसाय को चमका लिया, जिसके परिणामस्वरूप वह अमेरिका का सुप्रसिद्ध फोटोग्राफर बन गया। कुछ ही समय बाद बोस्टन में फोटोग्राफी की एक प्रदर्शनी हुई, जिसमें राइडर को अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर घोषित किया गया तथा श्रेष्ठ फोटोग्राफी के लिए उसे पुरस्कृत और सम्मानित भी किया गया। उसने समय के साथ अवसर को उसके माथे के आगे के बालों से पकड़ा और उसे उस कार्य में उससे जो भी सहायता प्राप्त हो सकती थी उसने प्राप्त की। व्यवसाय बढ़ाने के साथ साथ उसकी प्रसिद्धि भी चारों ओर व्यक्त हो गई। समय की मांग को जान लेने वाले लोग जीवन में बहुत आगे जाते हैं। थॉमस कुक का नाम आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, किंतु किसी समय यही थॉमस कुक खरात पर काम किया करता था। एक दिन उसे लिसेस्टर पहुंचना था। वह वहां नशाबंदी से संबंधित एक सम्मेलन में भाग लेने जा रहा था। यह सम्मेलन मजदूरों को यह समझाने के लिए आयोजित किया गया था कि वे अपनी मेहनत की कमाई को शराब आदि में उड़ाने से कैसे बचे। थॉमस कुक को सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक लंबी पैदल यात्रा करनी थी। जब वह पैदल यात्रा कर रहा था तो उसे एक विचार सूझा कि क्यों ना रेलवे कंपनी को लिसेस्टर तक रेलगाड़ियाँ चलाने के लिए कहा जाए। उसने जब यह विचार रेलवे कंपनी के सामने रखा तो उन्हें यह बात बड़ी पसंद आई। इससे लोगों को बहुत सुविधा हो जाने वाली थी तथा रेलवे कंपनी के आय में भी इससे वृद्धि होने वाली थी। कुछ ही समय बाद उस मार्ग पर बहुत सी रेलगाड़ियाँ चलाई जाने लगी। थॉमस कुक ने अब यात्री गाड़ियों के कार्यक्रम में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। इसी कारण थॉमस कुक एंड सन्स का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में ख्याति प्राप्त है। समय की मांग को थॉमस कुक ने पकड़ा और यही सब चीज़ों का परिणाम निकला। इंग्लैंड की खुली सड़कों पर एक विचारशील और कर्मठ व्यक्ति ने 15 मील पैदल चलकर ही एक ऐसी योजना बना दी जिससे केवल यात्रियों को ही नहीं बल्कि उस खराद वाले व्यक्ति को भी लाभ हुआ और उसने धन के साथ साथ बहुत सारी खेती भी अर्जित की। इसका कारण केवल यही था कि उसने अपने विचार को कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए समय रहते तत्काल कदम उठाया। यह बात उन दिनों की है जब सूत चरखियों पर काटा जाता था। हाथ से चलने वाली इन चरखियों में सूत के छोटे छोटे टुकड़े अटक जाया करते थे, जिससे कारीगरों को अपना काम रोककर वे टुकड़े निकालने पड़ते थे। चरखी को बार बार साफ करने में काफ़ी समय लग जाता था। इससे सूत काटने के समय में काफ़ी हानि होती थी। रॉबर्ट पील नामक एक व्यक्ति ने सूत काटने की कुछ चरखियाँ लगवा रखी थी। उसके पिता मिस्टर स्कॉट इस बात से बहुत परेशान थे कि बार बार सूत अटकने पर काम बहुत थोड़ा ही निकल पाता है। रॉबर्ट के पिता जब कभी कारखाने में आते तो यह देखते कि डिक नामक एक कारीगर की चरखी कभी नहीं रुकती और वह काम पूरा कर लेता था। उन्होंने एक दिन डिक से पूछ ही लिया, डिक तुम्हारी चरखी कभी नहीं रुकती, उसमें सूत कभी नहीं अटकता, इसका क्या कारण है? मिस्टर स्कॉट, यही तो रहस्य की बात है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगा तो फिर रहस्य क्या रह जाएगा? स्कॉट मुस्कुराते हुए बोले, बात तो तुम्हारी भी एकदम सही है, किंतु यह रहस्य बतलाने के लिए मैं तुम्हें इसका उचित परिश्रमिक दूंगा। क्या तुम अपनी खड्डियों के समान दूसरी खड्डियों को भी बिना रुके चला सकते हो? बिल्कुल चला सकता हूँ, डिक ने उत्तर दिया। यदि आप मुझे प्रतिदिन एक बोतल वाइन की दे दो मैं आपके सामने यह सारा रहस्य उजगर कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, स्कॉट ने कहा। तब डिक अपना मुँह स्कॉट के कान के पास ले जाकर बोला, खड्डियों में खड़ियाँ मल दिया करो, बस यही सारा रहस्य है। कुछ दिनों में स्कॉट का कारखाना अन्य खड्डियों वालों के मुकाबले में बहुत आगे बढ़ गया। डिक की सहायता से स्कॉट ने ऐसी खड्डियों का निर्माण किया जिनकी चरखियों में खड्डियाँ अपने आप लग जाती थी। रॉबर्ट के पिता मिस्टर स्कॉट ने अपने वायदे के अनुसार डिक को वाइन के बदले इनाम के रूप में बहुत सा धन भी दिया। समय के साथ जो परिवर्तन कर लेता है वह सदैव लाभ में रहता है और जीवन में उन्नति करता है।